हमारे बहनों के विधायक कृपा पर दया के आधार पर चुनाव जीतने वाले देखे कि 5 वर्षों में किस तरह ने पूरे बेलमो को खोखला करने का काम किया और झारखंड को लूटने का काम किया है। और तो देखिए आप, आपके बदल में आप तो ज्यादा जानते होंगे, अभी लोकसभा चुनाव भी लड़े थे धनबाद लोकसभा क्षेत्र से, सो उनके भाई क्या नाम हम नहीं जानते, वो लड़ना चाह रहे थे मगर वो भी अपने हेमंत सोरेन जी से अपना पत्नी को छोड़कर दूसरे को महीनों बर्दाश्त आ सके, वो भी जिस तरह से हेमंत सोरेन जी रास्ते पर चल रहा है वो भी अपने रास्ते पर चल रहा है, भाई भतीजा माँ बाप कोई नहीं, उनका पत्नी उनको दिखाई दिया, उनका पत्नी ही बहुत बड़ा काबिलियत है, उस राज्य का नेतृत्व करेगा, दिल्ली में जाके भाषण देंगे, उनके नजर में तो उनका पत्नी ही बहुत बड़ा नेता है। और देखे भाई को दरकिनार करके अपने पत्नी को चुनाव लड़ाने का काम किया, और आप लोगों ने देखे कि जितने हमारे बड़े भाई लोग आए आप लोग का आशीर्वाद से, छोटे भाई लोगों का सहयोग से धनबाद लोकसभा चुनाव में पहली बार आजादी के बाद पहली बार किसी गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा के भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। और आपने ये भी देखे होंगे जो गरीब विरोधी है, जो मजदूर विरोधी है, जो किसान विरोधी है, जो नौजवान विरोधी है, जो गांव विरोधी है, वैसे लोग चिरकुंडा से लेके भुरकुंडा तक सारे माफिया एक मंच पर आ गए, कोई नीति सिद्धांत नहीं, सिर्फ विरोध करना है तो किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, भुरकुंडा वालों का विरोध करना है, नीति सिद्धांत भूलकर धुंडू मातों का विरोध करने लगा। मगर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी को अगर प्रत्याशी बनाता है तो कुछ न कुछ तो सोच समझ कर ही बनाता है, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। और आपने इस लोकसभा चुनाव में देखे कि बेरमो से लूटकर 100 करोड़ रुपया से ज्यादा आपका पैसा ले जाकर धनबाद लोकसभा क्षेत्र में खर्चा किया कि ताकि हमारा वार्ड कैसे सांसद बन जाए, इसलिए भाइयों बहनों ये वैसे माफिया गुंडा लोग को मैं बता देना चाहता हूं, जब राज्य का गरीब जनता अगर जाग गया जिस तरह से धनबाद में जागा और एक गरीब का बेटा को सांसद बनाने के लिए सभी माफियाओं को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, उसी तरह बेरमो की धरती में भी ये गुंडे को हटाने के लिए सब गरीब को एक होना होगा। ये सत्ता में चोर विधायक हेमंत सोरेन के कृपा पर गुंडागर्दी करने वाले अपने सीनियर लीडर को कितना बेइज्जत किया, मनान मलिक से लेकर कई बार गोली चलाने का, बम चलाने का, इन लोगों का इतिहास खून नहीं है गोली चलाना और बम चलाना, मगर अब चलने वाला नहीं है, बहुत जल्द इनका सत्ता समाप्त होगी और बोरिया बिस्तर बांध रहा हूं, पहले भी बोले रहा थे बोल के जा रहा हूं, आज भी बोल के जा रहा हूं, ये बोलता है हम भी जाकर भैया सरकार बताइए, छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, अगर कोई हमें सुरक्षा दिया है, अगर एक सुरक्षा का कोई सिपाही चार्ज कर रहा है उसका खर्च उसका बेहद कौन करता, राज्य सरकार करता है, राज्य सरकार उसको कौन खा देता है, आज इनके पास दर्जनों का इसलिए भैया कितने बड़ा माफिया लोग से लड़ा, कौन गरीब के लिए आंदोलन किया, कौन यहाँ के विस्थापित आंदोलन किया, इनके पीछे कौन गुंडे पड़े, किनको इतना इतना सुरक्षा दिया, पावर का दुरुपयोग, सरकार का पैसा, आपका पैसा का दुरुपयोग करना, करोड़ों रुपये सरकार के द्वारा इनके सुरक्षा पर जो खर्च किया जाता है कारण क्या है, अरे हमारे यहाँ तो माफिया के द्वारा कई गरीब गांव मजदूर किसान नेता जबरदस्ती तो हत्या हुई है, मगर यह तो कृपा के आधार पर, दया के आधार पर चुनाव जीतने वाले पर कौन कौन मदद करता है, मगर इस चुनाव में आने वाला चुनाव में कोई कृपा दृष्टि नहीं होना चाहिए, ये शुद्ध रूप से क्रिमिनल ग्रुप, क्रिमिनल मानसिकता के लोग को बांटता और मदद करता है।
अभी अभी देखे कि एक बोकारो में बहुत बड़ा घटना घटी। कौन रवानी नाम था भैया? शंकर रवानी, जिनमें इनकी करीबी लोग भी उस हत्या में शामिल है, ये पता कर लीजिएगा। हम ये कोई अपना बात नहीं बोल रहे हैं, अपने भाषण में ये सच्चाई है। इनके एक बहुत करीबी और धनबाद बोकारो एसपी को मैंने बोल दिया कि अगर किसी भी कीमत पर उसे क्रिमिनल बचो बचेगा तो तुम जेल जाने के लिए तैयार होना। एसपी का रिश्तेदार है, कोयला चोरी डकैती मर्डर लूट जितना हो रहा सारे में भागीदार उसका भी है, वो भी बचने नहीं जा रहा। ऐसा मत सोचे कि अनूप सिंह उसको बचा लेगा। इसलिए मैं आप लोग को बीच में बोल के जा रहा हूँ, भाइयों बहनों आप लोग से मेरा आग्रह निवेदन होगा, प्रसाद है प्रसाद में लोग नहीं रह पाए, सभी लोग अगल बगल सभी लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोग इतने ही आग्रह निवेदन करना चाहिए, किसी का नहीं। अब बताइए ये सच्चाई है, बहनों के लोग जो आए हैं जरूर जानते हुए इनका पिताजी राजेंद्र बाबू को छुरी बेचने गए, छुरी भी मार के छुरी दुकान कहां से कर दिया, 50 बीघा जमीन 50 एकड़ जमीन में चला गया क्या? यहाँ के गरीब का पैसा लूट कर बड़े बड़े, यहाँ के मजदूर विस्थापितों का पैसा लूट कर बड़े बड़े। इसलिए मैं आपको कितने ही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में बनाइए, जितना पैसा लूटा है जेल भी जाना पड़ेगा, सारा पैसा सरकार के खजाने पर आएगा, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ। और मैंने इतिहास सुना है कि जो इसका विरोध करता उसको जेल भिजवा देता है, मैंने तो उसका बीवी उनके और उसका बीवी की यहाँ से उल्टा पैर भागना पड़ा, हम पर केस करवा के जेल भिजवाए। इस सत्ता का गुरूर में घमंड में गरीब लोग को डराता चमकाता है। आप डरिए मत, आपका भाई आपका बेटा ढूंढू हो तो आपके साथ जो भी खर्चा खड़ा है तो अगले में बोल के मेरा आगे में बोल के जा रहा हूं। अगर आपसे अगर किसी तरह का डराने धमकाने का प्रयास किया तो पैरों से बाहर नहीं जा पा रही है। इसलिए आप लोग निडर होकर निर्भीक होकर निडर होकर काम कीजिए और फिर राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाइए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट भी दीजिए और वोट दिलवाइए और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाकर भेजिए। इन्हीं आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। एक बार जितने ही लोग यहाँ से खड़े हैं सभी लोग भारत माता के नाम बनाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय राम। आपने बेलों के जनता को जोश भरने का काम